डिस्क्रिप्शन से काइनमास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे हैं, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में देख सकते हैं कुछ पार्ट जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे 4.5 या 4.6 तक का पार्ट एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव करना है, तो 5.1 तक का पार्ट एक्स्ट्रा है। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इसके बाद जो इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव करना है, तो 5.0 पे आना है, वीडियो कलर पे क्लिक करना है, कैचिंग निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इसके बाद मीडिया पे आना है, इसके बाद जो आपने वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया हूँ, तो आपको भी कुछ इस तरह से भी शूट कर सकते हैं या फिर इससे बेहतरीन भी कर सकते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इस वीडियो को यदि स्लो मोशन करना है, सिंपल स्पीड कंट्रोल पर आना है, 0.5 आपको कर देना है, ये वीडियो स्लो मोशन हो जाएगा। इसके बाद इस वीडियो में हमें क्या 4 से 5 सेकंड तक का सीन चाहिए, तो 5.0 तक का सीन रहने देता हूँ। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे, और इस पार्ट को आपको लास्ट में लेकर आ जाना है। इस वीडियो पे प्रेस करके रखेंगे और कुछ इस तरह से लास्ट में आपको लेकर आ जाना है। तो देख सकते हैं वीडियो हमारा लास्ट में आ चुका है, इस साउंड पे क्लिक करेंगे और इस साउंड को आपको लास्ट तक लेकर आ जाना है। इसके बाद मैं अपने वीडियो क्लियर पे क्लिक करता हूँ, ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देता हूँ और देख सकते कुछ वीडियो आपका कुछ इस तरह से देखने को मिल जा रहे हैं। इसके बाद लास्ट का कुछ पार्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो लड़के का आ जाता है, तो इस पार्ट को भी हमें रिमूव करना है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कहाँ से पार्ट हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो आपका खत्म हो रहा है 12.1 पे। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। तो मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से आएगा, सेकेंड कुछ इस तरह से, अब थर्ड पार्ट का हमारा वीडियो लेकर आना है। तो आपको देखना है हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो थर्ड पार्ट का वीडियो आप देख सकते हैं, आपको जो जैसा भी मर्जी ऐसा शूट कर सकते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद जो लास्ट का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा है, ट्रिम टू हम राइट कर देते हैं। और यदि इस वीडियो को आपको स्लो मोशन करना है, सिंपल स्पीड कंट्रोल पर आना है और यहाँ पर आपको 0.5 सेलेक्ट कर लेना है, तो आपका वीडियो ये स्लो मोशन में हो जाएंगे। तो आपका वीडियो अब कैसे देखने में लग रहा है, फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से आया, सेकेंड पार्ट का कुछ इस तरह से, थर्ड पार्ट का कुछ इस तरह से, और आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार भी हो चुका है। इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 3720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक साउंड लिंक भी दे रखा, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है।